मोस्ट पॉपुलर प्लेस के छल्लो, कैसे हो आप लोग? आज सवार भाई आए एक नई लेटेस्ट वीडियो के साथ। जैसा कि आज देख रहे हो मेरे पीछे, ये जमुना बार का क्या सीन है। गांव में थे वहाँ गंगा घूमते थे, दिल्ली में है तो जमुना घूम रहे, सरस्वती भी और कभी घूमेंगे। वैसे आप लोग ये जमुना पार की वीडियो पूरी देखना, आप लोगों को सारी चीज़ें जमुना पार की समझ में आ जाएंगी। कैसे आना है, कहाँ आना है, आप लोग समझ जाओगे। और जमुना पार के बहुत बहुत ज़्यादा सीन है, इसलिए मैंने तो अभी एक ही लोकेशन दिखा पाऊंगा आपको, क्योंकि हम अलग अलग लोकेशन पे भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि टाइम हो जाएगा। इसलिए आप लोग ये लोकेशन की वीडियो पूरी देख के जाना लास्ट तक, जिससे कि समझ पाओगे आप लोग वीडियो। इसलिए करते हैं यहीं से वीडियो स्टार्ट, जमुना पार के लो फुल मज़े। फाइनली दोस्तों, अब हम घर से निकल चुके हैं और एक दो दिन पहले मैं एक नए प्लेस पे गया था। ये वहाँ की कुछ फोटेज हैं, वहाँ पे हम फ़ोटो शूट करने गए थे, जो कि फ़ोटो हमारी बहुत ही अच्छी अच्छी आई थी और हम स्पेशल ये वीडियो लेके आएंगे आप लोगों को। अभी लोकेशन आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए छोटा सा सरप्राइज है। और एक दो दिन पहले मैं इंडिया गेट भी गया था, वहाँ के एक पार्क पहले आप देख लो। गेट के पास का एक छोटा सा पार्क है, जैसा कि वाटर पार्क जिसको कहते हैं, छोटा सा ही है, बहुत अच्छा है अगर आप लोग फोटो वोटो शूट करते हैं तो। अब हम चलते हैं यमुना पार। तो अब यमुना पुल के ऊपर हम पहुंच चुके हैं, अभी इसी के चलेंगे नीचे। और आप लोग दिल्ली में बस एक बारी आ जाएं, क्योंकि दिल्ली के बीचों बीच में यमुना जी की नदी पड़ती है। अगर आप लोग फ़ोटो और वीडियोग्राफी करते हैं तो एक बार मेरे कहने से यमुना के किनारे किसी भी प्लेस पे जाएं, यमुना के पास जाके आप लोग फ़ोटो और वीडियो क्लिक करें। वैसे अभी हम चलते हैं यमुना के नीचे और देख के आते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो फाइनली हम यमुना के नीचे आ चुके हैं और नीचे देख के ये लोकेशन आप लोगों को वीडियो में देख के कुछ अलग पता चलेगा, और फ़ोटो और वीडियो शूट करने में कुछ अलग चीज़ आप लोगों को निखार आएगा। वैसे क्योंकि यहाँ से मैंने बहुत सारी यहाँ की अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं, जहाँ की सबसे फेमस है सिग्नेचर ब्रिज के पास, वहाँ भी हम वीडियो बहुत जल्द लाएंगे। क्योंकि मैं तो यहाँ 4 साल से आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसलिए पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, और भी मज़ा आएगा। आप लोगों को और बताना चाहूँगा, मैं जब भी ज़्यादातर अगर डिस्टर्ब होता हूँ या अपने आप से सैड होता हूँ तो मैं यहाँ पे ज़रूर आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हफ्ते में मेरा एक चक्कर ज़रूर लगता है। और यहाँ पे आके मुझे एक अलग सी खुशी महसूस होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि ये आप लोगों को लोकेशन बेशक छोटी सी दिख रही होगी, मगर इसी लोकेशन के अंदर फ़ोटो एक से एक आती हैं मेरे दोस्त। टाइम पे ये सब भर जाता है, और जब भी ठंड का महीना आता है ये सब कुछ आप लोगों को खाली मिलता है। प्लीज़ आप लोग अगर दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली से बाहर रहते हैं, एक बारी दिल्ली आके यमुना के किनारे जाके देखें मेरे कहने से, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों ये 5:30 बजे का टाइम है, सारे पक्षी ऊपर उड़ते हुए और वाइट वाइट कलर के बत्तख जो हैं पानी में फुल तैरते हुए, क्योंकि इनका सीन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं पर्सनली अपनी लाइफ पे टाइम निकाल के
यहाँ एक बार जाता जरूर हूँ, इसलिए आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। जाते एक बात और कहना चाहूँगा, ये यमुना नदी की एक न्यू प्लेस है जिसको कोई भी नहीं जानता है, इसको तुम्हारे भाई ने एक्सप्लोर किया है। अगर और अच्छी अच्छी प्लेस देखनी है तो लाइक करके जाना वीडियो। हे दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये जमुना पार्क की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो लगी हो अच्छी तो लाइक करने का, कमेंट करने का, शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का, जिससे कि जो भी मैं नई लेटेस्ट वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आए। और एक चीज़, हाँ, ये यमुना पार्क का एक सीन है, वैसे मैं दो तीन सीन ये स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, ये इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी और बहुत जल्द अच्छे अच्छे प्लेसों की हम वीडियो बना के डालेंगे, इसलिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और मेरा मिस्टर संजू दादा करके एक दूसरा चैनल है, वो जाके आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को हमेशा म्यूज़िक वीडियो देखने को मिलेगी और वी इफेक्ट्स की वीडियो देख सकते हो आप लोग, इसलिए जाके सब्सक्राइब कर लो जाकर। इसलिए मिलते हैं एक नई लेटेस्ट वीडियो में। जय हिंद।